आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई के वालों गिरफ्तार किए जाने के बाद हुण पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी के वर्करों वालों रोष है। उत्थे ही पठानकोट के विच सड़कों के उपर उतर आए आम आदमी पार्टी के वर्करों के वालों केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और केंद्र की तानाशाही रवैये के प्रति जम के नारेबाजी भी की गई। पठानकोट तो लक्की की खास रिपोर्ट। प्रोटेस्ट बड़ा एक मंदभागा जिहा डिसीजन जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट ने लिया कल सीबीआई कोलों मनीष सिसोदिया जी नूं अरैसट करके। ये एक आम आदमी जिहड़ा कोई सोसाइटी वास्ते चंगा काम करता उन्हूं दबाउण दा एक मेरे हिसाब नाल हथकंडा है बीजेपी सरकार दा, और क्योंकि वो शिक्षा नूं बेहतर करना चाहुंदे ने और दूसरी पार्टी बीजेपी चाहुंदी नहीं कि कोई पढ़े किसे नूं अपने राइट्स ना पता लगन। सिसोदिया जी बच्चों एजुकेट करके उन्होंने उन्होंने राइट्स के बारे दसते हैं। ही टेल्स दैम हाउ टू गैट जॉब्स और वो चीज़ा जीडिया ने बीजेपी को हजम नहीं होंगे, इस करके उन्होंने सिसोदिया जी को अरैसट किया। मैं पूरा यकीन है कि ही विल कम क्लीन इन द कोर्ट, जिस तरह उन्होंने 42 MLA से आम आदमी पार्टी के केस किए और 42 कोर्ट ने केस खारिज करके सारे बाइज्जत बरी किया है, ये भी हो जाना है। लेकिन एक आदमी जिसने मेहनत की हो झुग्गिया रहा हो वाइफ बीमार है उन्होंने तुम उस मौके पर अरैसट करके जा रहे हो जो परिवार को उसकी बहुत लोड़ है और किया इस करके जा रहा है क्योंकि MCD इलैक्शन जी हारी है BJP और पंजाब च भी उन्होंने साथियों से मान साहब ने शिकंजा कसिया और जिन्होंने बेअदबी की है उन्होंने बिल्कुल नत्थ पाती और हाथ बिल्कुल उन्होंने गिरेबान तक पहुँच चुके हैं। इसे खुंदक BJP ने सिसोदिया जी को अरैसट किया। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, असी इस चीज़ को सहन नहीं करांगे। आम आदमी जे इन्ना क्रोश है कि जे दिल्ली सेंटर च भी जाना पिया और पार्लियामेंट का घराव करना पिया तो करांगे।